अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर टू के फर्स्ट ईयर के चैप्टर टू का न्यूमेरिकल नंबर फोर सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज डबल दैट ऑफ वाई कंपोनेंट। जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया गया कि अगर एक्स कंपोनेंट डबल हो वाई कंपोनेंट का तो बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। तो डेटा में दिया गया है ए एक्स इज इक्वल टू टू ए वाई इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ये है कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के मुकाबले में डबल है, यानी ये वन है वो टू है। ये क्वेश्चन ये फिगर वाइज कुछ यूँ होगा। अगर हम इसको ड्रा कर ले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो अब आपका ये जो वेक्टर है ये कंपोनेंट लेट इसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस है, डबल है, और जो वाई कंपोनेंट है वो एक है। मतलब इसको प्रॉपरली ड्रा कर लेते हैं, लेट यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ पे ये वाला जितना ये डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस ये रख। अब हमारे पास इधर एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है। सो अब आप देख ले ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर मैं दो कंपोनेंट बना लूँ तो ये वाला हमारे पास x कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये x कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, इसका नाम मैंने रखा है ए एक्स। सो ये जो ए एक्स है ये डबल है, ये दो गुना है, और ये वाला ए वाई है ये एक गुना है। मतलब यहाँ से तक टू है, वन टू, और यहाँ से तक वन है। सो अगर ये दो कंपोनेंट्स है, अब वो पूछ रहे हैं हमसे ये वाला जो वेक्टर है ये इनका रिजल्टेंट है, ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट है, तो वो अब हमसे पूछ रहे इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। यानी ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका नाम हम ए रखते हैं, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन यानी ए मैग्नीट्यूड, ये जो दो लाइनें हैं ये मॉडुलस है, ये मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, और ये जो थीटा है ये डायरेक्शन को शो करता है। थीटा हमेशा हम एक्स एक्सिस से लेते हैं। सो हमें ये दो चीजें मालूम करनी है, ए मॉडुलस और थीटा। तो पहले हम आते हैं मालूम करते हैं सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले आएंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। मतलब इस ए वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना होगा। अगर ये लेंथ को टू कंसीडर कर ले, इसको वन कंसीडर कर लो, तो बताओ ये लेंथ कितना है। सो ये हम लोगों ने मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। अगर आपके पास कोई वेक्टर हो और उसका आपने मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका ये है, आप उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट है, x कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है और y कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है और उसको ऐड करके अंडर रूट लेना है। ये पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होता है। तो हम इसको इस फार्मूला, बस ये फार्मूला है, आप लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका तरीका ये है, x कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो मींस ए एक्स का स्क्वायर ले लो प्लस ए वाई का स्क्वायर ले लो, यानी इसका स्क्वायर लेना है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब हम इसको मजीद अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ यूं आएगा, ये हमारे पास हो गया अंडर रूट ए एक्स की वैल्यू, हमारे पास हम लोगों ने लिया हुआ है टू। वो क्वेश्चन में दिया गया था कि ए एक्स की वैल्यू टू है। सो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू का स्क्वायर, ए एक्स की जगह मैंने लिख लिया टू प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए वाई की वैल्यू हम लोगों ने वन लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, क्योंकि एक्स कंपोनेंट वाई से डबल है। अब अगर इसको मजीद हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास कुछ यू आएगा, टू का स्क्वायर फोर आएगा और वन का स्क्वायर जो है वो वन आएगा। सब अगर दोनों को जमा कर लो तो ये फाइव आएगा, और फाइव का अंडर रूट जब निकालोगे 2.236 आएगा। इसका मतलब है इस वेक्टर की लंबाई, अगर इसकी लंबाई वन टू है तो इसकी लंबाई टू से थोड़ा सा ज्यादा है, 2.2 से थोड़ा सा ज्यादा है। सो इस तरह से हमने इस लाइन की लंबाई मालूम की, लाइन की लंबाई वेक्टर की लंबाई, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो वेक्टर की लंबाई, इस लंबाई को अगर चेक कर ले तो वो इतना होगा। इसका मतलब है आंसर, पहला आंसर हमारे पास आ गया, मैग्नीट्यूड मालूम हो गया। अब दूसरे पोर्शन में हम जाते हैं, हमने ये मालूम करना है कि ये एंगल कितने का है। इसका मतलब ये है कि ये हमने ये मालूम करना है कि ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है। इस एंगल को मालूम करने के लिए हमारे पास एंगल का फार्मूला है, ये भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जो टॉपिक है उसी के तीन चार फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तीसरा फार्मूला मैग्नीट्यूड का है, और चौथा फार्मूला डायरेक्शन का है। सो अब हमें उसका डायरेक्शन का फार्मूला थीटा हम लोगों ने इस पे लिख लिया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब हम आते हैं ए वाई, ए वाई की वैल्यू हमारे पास है वन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन
ए वाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1, और जो ए एक्स है ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, ए एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2। सो ये हमारे पास आ गया 1/2। सो यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स है। सो अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, याद रखिए जब भी 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.5 आता है, तो ये हमारे पास आएगा 0.5। अब अगर आपने टेंजेंट इनवर्स का कैलकुलेटर की मदद से आप इस पे अप्लाई कर लो, तो जब आप टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर लेते हो तो इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 26.6 डिग्री, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 27 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक वेक्टर है उसका ये जो एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट से डबल हो, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 26.6 बनेगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट एक्स्ट्रा बताने हैं, एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताने। आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ये आपके पास आंसर है, पहला आंसर आपके पास ये आ चुका है, क्योंकि आपके पास दो चीजें पूछे गए, तो एक आंसर का एक पार्ट ये है और दूसरा जो पार्ट है वो ये है। आपका पास दूसरा आंसर ये भी आंसर में आता है, क्योंकि यही दो चीजें पूछे थे, ये मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा समझना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने समझाना है। एक्स्ट्रा में हमने क्या समझना है, देखिए इसमें हमारे पास ये है कि ये सिर्फ इस वक्त नहीं है कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, न्यूमेरिकल पहले आपका सॉल्व हो चुका है, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो टेंजेंट इनवर्स है, बाद स्टूडेंट को कैलकुलेटर का यूज नहीं आता, तो कैलकुलेटर का यूज बताता हूँ टेंजेंट इनवर्स के जरिए कैसे मालूम करना है। ये आपके पास लेट आपके पास कैलकुलेटर है, सो इस कैलकुलेटर में आपके पास यहाँ पे बटन है, तो इस बटन में यहाँ पे लेट आपके पास एक बटन पे टेंजेंट लिखा हुआ है, और टेंजेंट है यहाँ पे कोई और बटन है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बटन हो, तो इसके नीचे ये वाला जो खाना होता है यहाँ पे आपके कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स लिखा होता है, मगर कोने में यहाँ पे एक बटन सेकेंड शिफ्ट या शिफ्ट का होता है। सो अगर आप टेंजेंट इनवर्स मालूम करना चाहते हो तो पहले सेकंड शिफ्ट का बटन दबा दो, यहाँ पे एस या सेकंड या कुछ ऐसा सिंबल आ जाएगा जिससे पता चलेगा कि अब टेंजेंट काम नहीं कर रहा, टेंजेंट इनवर्स काम कर रहा है, तो पहले सेकंड शिफ्ट को दबा दो, फिर उसके बाद टेंजेंट का बटन, जैसे टेंजेंट का बटन दबाओगे तो इधर टेंजेंट इनवर्स शो हो जाएगा। इस टेंजेंट इनवर्स के बाद ये वैल्यू लिख लो 0.5, और इसके बाद इक्वल का बटन दबाने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 26.6। इस तरह से आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, और अगर आपको बाकी इसी चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, यहाँ पे सेट पे मैं अभी यहाँ पे शो हो जाएगा, आप किस तरह से चैनल पे क्लिक कर दो, फिर प्लेलिस्ट पे, फिर जा करके आपको सारे वो वीडियोस दिखाई देंगे, सारे पूरे चैप्टर के वीडियोस सीक्वेंस में वहाँ पे मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।